सवाल जवाब करने हैं, वोट दें तो क्यों दें आपको? आप क्या करोगे? आप देश के लिए क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप नौकरी कैसे दोगे? आप कैसे सड़कें बनवाओगे? आप कैसे अच्छे स्कूल करोगे? आप कैसे अच्छे हॉस्पिटल खोलोगे? आप बताओ आपकी प्लानिंग क्या है? ये सवाल आपको पूछने हैं। जब ऐसे सवाल पूछने लगोगे फिर मुश्किल हो जाएगा उन नेताओं को जो गुमराह करते हैं, जो पैसे देते हैं, जो शराब बांटते हैं, जो आपको कुछ न कुछ प्रलोभन देके, नौकरी का प्रलोभन देके, लालच देके जो आपको बहकाते हैं, फुसलाते हैं। तो साथियों, इस बार भाइयों, हम सबको मिलके, क्योंकि एक अकेले काम ये केजरीवाल का नहीं, अकेले काम ये मेरा नहीं, अकेले काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन का नहीं, ये अकेले काम किसी का नहीं है, और ये अकेली पीड़ा उनकी नहीं, ये व्यवस्था बदलने की पीड़ा हम सब की है। हम सब बदलना चाहते हैं, हम सब परिवर्तन चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं, युवाओं को नौकरी चाहते हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। केजरीवाल क्या चाहेंगे? हम सब चाहेंगे, सब चाहते हैं। इसलिए परिवर्तन हमको ही चाहिए और हमें ही पहल करनी है, इस बदलाव की हमें ही पहल करनी है, अपने से पहल करनी है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, विश्वास दिया, भरोसा किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। आने वाले समय में हम आपकी जो भी समस्या होगी गौतम के माध्यम से या डायरेक्ट हमारे माध्यम से, आप जो है अपनी बात रख सकते हैं। हम डीसी को बात डायरेक्ट कह सकते हैं। हमारी अभी टोपी में ईमानदारी है, इसकी अभी इज्जत है, इसकी सारे ऑफिसर दफ्तर, ये जो सरकारी दफ्तर प्रशासनिक अधिकारी जो सब हमारी इज्जत करते हैं, ये सच्ची बात है। अभी इज्जत है हमारी, इसमें ईमानदारी है, वो जानते हैं। तो साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का, समर्थन देने का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।